नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजिस में। दोस्तों, जिसका इंतज़ार था वह हो गया, जो के एक्सचेंज लाइव हो गया है। अब आप अपनी कॉइन को के एक्सचेंज में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसा कि आपने आपको जो सेविंग अकाउंट में कॉइन है वह 12 से डिवाइड होके आप उसे BCT में हर महीने ट्रांसफ़र करना होगा। और जो आप BCT में कॉइन ले जाते हैं उसको आप सेल पर लगाइए, और जब वह सेल हो जाती है तो उस अमाउंट से आप पुनः कॉइन जो बाई करेंगे वही कॉइन, यानी BCT में जितनी भी कॉइन आप बाई किए होंगे वही कॉइन के एक्सचेंज में जाएगी। अभी आपके लिए यह बेनिफिट यह है दोस्तों कि अभी वॉलेट एक्सचेंज नहीं आया है, तो आपकी जो 100 रुपये में खरीदी हुई कॉइन है वह डायरेक्ट के एक्सचेंज में जा रही है, और वहाँ पर आपकी कॉइन की वैल्यू 500 रुपये है। वहाँ पर आपको 500 से नीचे नहीं कॉइन बिकेगी, 500 से ऊपर ही सेल लगाना है। अगर 500 से नीचे आपने अगर सेल लगाई तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। तो दोस्तों, अभी आपके पास अवसर है, जैसे ही वॉलेट एक्सचेंज आ जाएगा तो जो आपके जो VCT से आपकी क्वाइन वॉलेट एक्सचेंज में जाएगी, और वॉलेट एक्सचेंज में उसकी कीमत 250 रुपये होगी। यानी जो यहाँ पर 100 रुपये खरीदेंगे वहाँ पर 250 रुपये होंगे। अभी क्या है दोस्तों कि आपकी जो VCT में 100 रुपये में खरीदी हुई क्वाइन है वह के एक्सचेंज में 500 रुपये में होगी, और जब वॉलेट एक्सचेंज आने के बाद यह वॉलेट एक्सचेंज में जाएगी, 250 रुपये में बिकेगी, फिर आप 250 रुपये में बाई करेंगे तो वह क्वाइन आपका के एक्सचेंज में जाएगी, तब उसकी वैल्यू 500 रुपये होगी। तो अभी आपके पास अवसर है, आप अपनी क्वाइन को जो BCT से डायरेक्ट के एक्सचेंज में आप ट्रांसफ़र करेंगे, और जो आपकी क्वाइन के एक्सचेंज में चली गई वह वापस नहीं आएगी BCT में। इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि वह जो के एक्सचेंज है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वह पूरी तरह से ब्लॉकचेन पर आधारित है। वहाँ पर जो क्वाइन आपने ट्रांसफ़र किया वह वापस नहीं आएगी। तो दोस्तों, यह जो के एक्सचेंज अब लाइव हो गया है, आप वहाँ पर आप सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, और जो अदर क्वाइन है उसे भी आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो दोस्तों, यह बहुत ही अच्छी खबर है। और चलिए मैं आपको क्वाइन ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा दोस्तों कि कैसे आपको क्वाइन ट्रांसफ़र करना है। सबसे पहले आपको अपना के एक्सचेंज रजिस्टर करना होगा। keexchange.co पर आप जाकर वहां पर आप रजिस्टर करेंगे। यहां पर आपको कोई रेफरल लिंक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो KGIN नंबर उसमें आपको ऐड करना है। जब KGIN नंबर आप ऐड करेंगे तो आप अपने जो स्पॉन्सर हैं उससे आपकी आईडी डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी, उसमें कोई रेफरल लिंक की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अभी नए लोगों को आप नहीं जोड़ सकते हैं, उसके लिए अभी वेट करना होगा। तो चलिए मैं आपको क्वाइन ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ। ये मैंने अपनी आईडी को लॉगिन कर दिया है। अब मैं आपको तीन लाइन पर चलना है दोस्तों, और तीन लाइन पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसमें आना है नीचे। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर कीबो लोकल एक्सचेंज में एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांसफ़र क्वाइन BCT टू के एक्सचेंज, ट्रांसफ़र क्वाइन टू यानी BCT टू के एक्सचेंज, यानी यह क्वाइन आपकी BCT से वहाँ जाएगी, न कि आपकी सेविंग अकाउंट से। बट यहाँ पर ऑप्शन सेविंग अकाउंट में ही है। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है कि प्लीज़ अपडेट योर KGIN इन के एक्सचेंज पोर्टल। आपका जो KGIN नंबर है वह पोर्टल पर अपडेट होना चाहिए, तभी आपकी क्वाइन BCT से वहाँ पर जाएगी। और प्लीज़ चेक इट यानी डिपॉजिट एड्रेस इन जनरेटेड अंडर KBO क्वाइन इन के एक्सचेंज पोर्टल बिफोर सेंडिंग। आप क्या करना है दोस्तों,
अब नीचे आएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बहुत से ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। आप देखेंगे कॉन्फरेबल टू के एक्सचेंज आने आपको इनिशियल क्रेडिट 0 और रिसीव्ड क्वाइन 103, परचेज फ्रॉम बीसीटी यहाँ पर देखेंगे 41.479 क्वाइन मैंने वहाँ बीसीटी से परचेज किया हुआ है और टोटल क्वाइन सोल्ड 106। आप नीचे देखेंगे ट्रांसफ़र टू के एक्सचेंज 0 और बीसीटी में बैलेंस कितना है मेरा 3.29 क्वाइन। तो यहाँ पर आपको 3.29 क्वाइन आपको दिख रही है। तो अभी आप सोचेंगे कि यहाँ पर परचेज तो 41 है बट यहाँ पर 3 क्वाइन क्यों दिख रही है, क्योंकि दोस्तों बीसीटी में मेरा इतना ही अमाउंट है और जैसे ही मैं इस महीने का अपना कोटा वहाँ पर सेंड करूँगा तो यहाँ पर आपको 41 क्वाइन शो करने लगेगी। अब आपको यहाँ पर सिंपल सा करना है, 0 को हटाना है और यहाँ पर मैं आपको एक टाइप करके दिखाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आप एक दिन में 10 क्वाइन के एक्सचेंज में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहा है, कंफर्म कैंसिल। अगर आपको वहाँ पर भेजना है तो आप कंफर्म करेंगे वरना कैंसिल करेंगे। मुझे भेजना है तो मैं कंफर्म करता हूँ। अब थोड़ा सा आप वेट करेंगे क्योंकि साइट स्लो है। अभी यह क्वाइन यहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है, थोड़ा सा नेट स्लो है, वेट करते हैं। ये नेट स्लो होने के कारण डाटा वैलिडेशन फेल्ड हो गया। आपका अभी साइट स्लो चल रही है तो जैसे ही तेज़ चलेगी आप क्वाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यही प्रक्रिया है क्वाइन ट्रांसफ़र करने का और आप क्वाइन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से फिर से आप आएंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे, आप देखेंगे कि अभी यह क्वाइन अभी ट्रांसफ़र नहीं हुई है। 3 क्वाइन यहाँ पर दिख रही है और अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि जो के एक्सचेंज में कोई क्वाइन नहीं गई है। तो चूँकि अभी साइट स्लो है तो आपको वेट करके करना है, क्योंकि हम 6 महीने से वेट कर रहे थे। तो अभी आप एक दो दिन और वेट करके वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट आप पूरी तरह से जानकारी लेके वीडियो को देख करके ही क्वाइन को आपको ट्रांसफ़र करना है। और नहीं समझ में आता है तो आप अपने जो अप्लाइंस से उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय की भो।